कुमार रहीम वास्पी साइंस सोसाइटी की जानिब से हम आपको लाहौर दूसरे मैं आपका मेजबान नवीन अख्तर। कयामत है कि मच्छर काटते हैं, कयामत है कि मच्छर काटते हैं, दो चार नहीं अक्सर काटते हैं, और हमारे लहू में है शायद लज्जत, और हमारे लहू में है शायद लज्जत ऐसी, नहीं तो सितम गर क्यों काटते हैं। इस शेर के साथ ही आपको मालूम हो गया होगा कि हमारी आज के दो सेशंस का जो टॉपिक है वो क्या है। हमारा ये टॉपिक डेंगी उससे बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक है। एमडी है वेरी यंग एंड डिस्टिंग्विश्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेनी मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड and she has worked as a master trainee of Delhi World Health Organization and Government of Punjab. She has several publications and her expertise are in infectious diseases and herbal medicine. With no time, I would like to call Dr. Soumya Iqtadar. Put your hand together for welcome, please. साल के बाद स्कूल में आने का मौका मिला। आई एम ओल्ड प्रेसिटेरियन सो इट ऑलवेज फील्स ग्रेट यू नो कम बैक टू योर एल्मा। और आज हम आज हम जिस पे बात करेंगे आई वुड लाइक कि हम बहुत इंटरेक्टिव सेशन रखें, तो ये कोई बोरिंग साइंटिफिक लेक्चर या मेडिकल लेक्चर नहीं होगा। और हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन से, बच्चे मुझे जवाब देंगे। सबसे खतरनाक, हाँ जी, लायन इज इट? और कोई किसी का कोई और क्या दो? Elephant? I know. Shark. Shark. Let's see. What about snakes? Yeah. Snakes. Some of them. Some of them. Okay. What is this? ये क्या है? Crocodile. Crocodile. ये खतरनाक है? Yes. कौन सा खतरनाक ज़्यादा लग रहा है? Crocodile. Shark. ये क्या है? Mosquito, which takes about 830,000 lives every year. So, हमें एक छोटी सी जो चीज, ये मच्छर अभी आपको यहाँ पे volunteers कुछ हैं, आपको मच्छर दिखाएंगे भी करीब से और उसकी चीज दावा की stages भी दिखाएंगे। So, ये जो मच्छर है, ये सबसे ज़्यादा all the animals, dog bites से, snakes से, scorpion, crocodile, hippopotamus, killing bugs जो होते हैं, जो daily में ज़्यादा जो डेंजरस है, which costs more lives all over the globe, is actually this mosquito. और ये जो मॉस्किटो है, जो हमें लगता है कि छोटी सी चीज है, it actually causes so many diseases. इसके अंदर ऐसे जरासीम चले जाते हैं, which can cause you बड़ी मुश्किल मुश्किल बीमारियों के नाम है, मलेरिया, येलो फीवर, जीका। ब्राज़ील में याद है आपको जब स्पोर्ट्स हो रही थी तो बहुत ज़्यादा जीका का शोर था, और वेस्ट नाइल फीवर जो यूएस में बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास सामने आते हैं, एंड ऑफ ऑल 96% जो बीमारियां हैं मच्छरों के जरिए जो फैलती हैं उसमें मलेरिया और डेंगू शामिल है। और अबाउट 400 मिलियन इन्फेक्शंस एवरी ईयर इट कॉजेस। सो इसलिए ये जो मच्छर है इसके मुतल्लिक बात करना बहुत जरूरी है, और हम इस पर आज इसलिए भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि डेंगू हमारा मसला है। यू नो डेंगू पाकिस्तान में मौजूद है और लाहौर में हम बैठे हैं, तो लाहौर में दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिडेमिक सो फार रिपोर्टेड हैज बीन इन लाहौर, एंड दिस वाज इन ईयर 2011। ठीक है, 2011 में कौन कौन पैदा हुआ होता आप से? ओके, सो सम ऑफ यू हैव विटनेस्ड इट बट कुछ बच्चों ने नहीं देखा। सो ये लाहौर को क्या कहते हैं और दूसरा नाम क्या है लाहौर का? सिटी ऑफ गार्डन्स, लॉन्स पार्क है ना, कौन कौन किया है? रेस कोर्स पार्क, जिना गार्डन, शालामार।
बंद हो गए और उसकी वजह ये थी बिकॉज ये मच्छर ब्रीड करता है जहाँ पानी होता है, स्विमिंग पूल में पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे फाउंटेन, स्विमिंग पूल, आबशारे ये सब बंद कर दी गई थी। और हॉस्पिटल्स जो हमारे एक ऐसी जगह है जहाँ वी गो देयर टू सीक हेल्प, वो दे एक्चुअली टर्न इनटू समथिंग वेरी डिजास्टरस जिसमें हर तरफ आपको मॉस्किटो नेट्स के साथ मरीज नजर आ रहे हैं। सो दिस हैपेंड बैक इन 2011 and this, these are the pictures of the hospital where I work at New Hospital Hall, which is the largest tertiary care hospital of Pakistan. 2200 bedded hospital hai ye, aur isme ye halat hai that aap dekhenge jo waiting area hai usme kitni lambi line hai, sab dengue ke patients ki line hai. Ye waiting area mein log intezar kar rahe hain aur ye hospital mein jitne bhi wards the, skin ka ward, psychiatry ka ward, medical, surgery, pediatrics, sabko we had to convert because 600,000 yani 6 lakh patients still aboard mein dengue ke, okay, and this is a long line outside services hospital, theek hai, jisme log queue mein khade hain apna dengue ka test karate hain aur duniya bhar ke akhbar hamare dengue ke mutalliq likh rahe hain, and like a critic score unfortunately death toll bataya ja raha tha ki aaj dengue se itni ambaat ho gayi, aaj itni ambaat ho gayi, was a very very bad situation. So इसलिए हमने सोचा कि आज नवार साइंस मेले के मौके पे हम आपको इस डेंगी वायरस के मुताबिक बताएं जो कि प्रिवेंटेबल है, ठीक है? So डेंगी वायरस है, वायरस से पता है आपको क्या होते हैं, जर्म्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वायरस के अलावा क्या होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वेरी बहुत इंटेलिजेंट। सो ये वायरस है, इसकी फोर टाइप्स है, 1, 2, 3, 4 आप समझ लो, ठीक है? और ये वायरस इन मॉस्किटोज के जरिए फैलता है, ठीक है? अभी से मैं कहूंगी आप सबको ये मॉस्किटोज करीब से दिखाएंगे क्योंकि आपने वैसे तो गाय थिएटर में देखे होंगे, लेकिन ये मॉस्किटो असल में कैसे नजर आते हैं और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। सो ये मॉस्किटो जो आपको आम घर से नजर आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? Because it has got white spots on its legs. ये देखो ये small spots, ठीक है? White spots. So two varieties हैं mosquitoes की. आपका क्या ख्याल है दुनिया में कितने type के मच्छर हैं? How many types? Millions. Yes, very right. सिर्फ इस type के लिए 100 के करीब मच्छर आपके मिल पाएंगे, ठीक है? वो मच्छर है वो. So ये male mosquitoes होते हैं और female mosquitoes होते हैं. आपको क्या लगता है? Female mosquitoes bite करती हैं कि male mosquitoes bite करती हैं? Male. Male. आप कहिए आपको से male mosquitoes bite. Raise your hand. Only two. How many of you say female mosquitoes bite? Oh, so very intelligent. So female mosquitoes bite. इसीलिए आपको अभी ये male mosquito का एक model दिखा रहे हैं। आप इसके अंदर हाथ डाल के देखो। देखो कि मच्छर अंदर है, box में काटते हैं कि नहीं काटते। अगर काट दिया तो इसका मतलब है कि फीमेल है, अगर नहीं काटा तो इसका मतलब है कि मेल। जो मेल मॉस्किटोस होते हैं, they do not bite humans, ठीक है? मेल मॉस्किटो प्लांट नेक्टर पे फीड करते हैं, so they go on plants only to get food from it. लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोस होती है, they need protein for egg formation, ठीक है? और वो प्रोटीन लेती है ब्लड मील से, और वो ब्लड कहाँ से लेते हैं, ह्यूमन से। सो व्हेन दे बाइट द ह्यूमंस, दे ब्लड और उस ब्लड के साथ वो प्रोटीन्स और एग फॉर्मेशन के लिए वो रिक्वायर्ड होते हैं। सो ओनली फीमेल मॉस्किटो इट बाइट्स। और ये मॉस्किटो की स्टेजेस हैं, ये भी आप सबको अभी दिखा रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो स्मॉल पेंसिल हेड साइज के एग्स होते हैं और ये एग्स आपको नजर नहीं आते, जितनी ये चिप है ना पेंसिल की, इतना स्मॉल एग का साइज होता है। सो इट्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, इसको माइक्रोस्कोप के जरिए एनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। एंड दीज एग्स आर सो रेजिस्टेंट कि अगर मौसम चेंज हो गया है, पानी उनको अवेलेबल नहीं है, तो फॉर अ ईयर और सो दे के रिमेन इन ड्राई स्टेट। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अभी आपने बताया था इसका कहते हैं कि फीमेल वाइज करती है और मेल जो है वो प्लांट पे होती है, तो जो मेल मस्कीटो है डेंगी का वो जो प्लांट पे ब्रीच करता है तो क्या उसमें भी कोई इसके इन्फेक्शन हो जाती है? ओनली फीमेल मॉस्किटो कैरीज द वायरस और फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करके ट्रांसमिशन होती है, ठीक है? ये एग्स फिर पानी में हैच होते हैं और एग्स नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, आप सबने बायो में पढ़ी हुई है, एग्स से क्या बनते हैं, लार्वा। और अभी आपको लार्वा को दिखा रहे हैं, सो आज आप देखो कि लार्वा एक्चुअली कैसे नजर आते हैं पानी में ग्रो करते हुए। और लार्वा से फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है,
एडल्ट मॉस्किटो. सो ये सारी स्टेजेस ऑफ मॉस्किटो आपको अभी ये दिखाई दिखा रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स की फॉर्म में. आप इनको आज करीब से देखो सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर होम, क्योंकि मैंने एंड पे आप सबको एक टास्क देना है कि आपने आइडेंटिफाई करने अपने घर में मॉस्किटोज की ब्रीडिंग साइट्स. ठीक है, ओके. अब ये तो सब मच्छर की बात हो गई, अब ये कि बीमारी कैसे इंसान में आएगी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बंदा जो बीमार होता है जी बेटी, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स देयर इज अ समथिंग लाइक वायरस एंड इट एंटर्स इन योर बॉडी एंड देन बाइट्स एंड इट स्टार्ट्स टेकिंग. जब भी हमें कोई मच्छर काटता है तो वो हमारी बॉडी में कोई छोटा सा कोई पार्टिकल्स का कुछ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और तब हमारी बॉडी में डिजीज आ जाता है. So when mosquito bite करता है किसी unhealthy person जो already डेंगू का शिकार है, ठीक है? So जब bite करता है blood suck करता है तो वो blood अपने अंदर suck कर लेता है. अब mosquito के अंदर grow करना शुरू हो जाता है और mosquito infected हो जाता है. तो mosquito को भी डेंगू हो जाता है, समझ रहे हो? ठीक है? And when that mosquito which is now infected with the virus, it bites another person. तो वो जब उसको bite करता है उसके साथ अपने saliva के साथ inject करता है और वो साथ ही उसमें वायरस ट्रांसमिट करता है. सो वेक्टर, वेक्टर इज समथिंग व्हिच ट्रांसमिट्स वन थिंग फ्रॉम अनदर टू अनदर थिंग. वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है. सो इस तरह हमें डेंगू हो जाता है. और डेंगू कभी किसी को हुआ है आप में से? इतने छोटे बेबी को भी हो गया. ओके, सो डेंगू में क्या होता है? तेज बुखार होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, जिसम में दर्द होता है, कंधों में पट्टों में खिंचाव लगता है, जिसम में कोई रैश डेवलप हो सकता है, पेन बिहाइंड आईज, जिसे हम इंट्राऑर्बिटल पेन कहते हैं, ठीक है? हेडेक होती है, जिसम में शदीद दर्द होता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, राइट, वॉमिटिंग नौजिया होता है, ठीक है? और ब्लीडिंग हो सकती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, लंग से ब्लीडिंग हो सकती है, किसी बॉडी के ऊपर जो है वो ब्रूजेस बन सकते हैं. सो दीज आर द साइंस. अब बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताने लगी हूँ, डेंगू के पेशेंट्स में आपने तो रेस्ट करना है, ठीक है? दूसरा सिर्फ पैनाडॉल इस्तेमाल करनी है. ये जो ब्रूफेन, डाइक्लोरेन, मोनस्टॉन ऐसी दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है? और रेस्ट करना है और अपने आप को मच्छर के काटने से बचाना है. तो आप सोचेंगे कि भाई डेंगू तो हो गया तो मच्छर के काटने से बचाना है, तब तो और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों, इसका कौन जवाब देगा मुझे? अगर किसी को डेंगू हुआ है उसको मॉस्किटो लगाना चाहिए या मॉस्किटो रिपेलेंट या बेडलेट यूज करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? क्यों? हाँ जी, बाकी दर्द की दवाइयाँ होती है वो खून को पतला कर देती हैं और ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा देती है, ठीक है? तो पट्टियाँ कर सकते हैं या पैनाडॉल ले सकते हैं और टेस्ट कराना है और डॉक्टर से मिलना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, स्टोर वाले करीब से पूछ के दवाई नहीं खा लेनी, ठीक है? और आगे हम बात करेंगे टोटके भी नहीं आजमाने, जो नानी दादी के टोटके हैं, ठीक है? सो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है और देयर आर सम सीरियस वार्निंग साइंस इन डेंगू, ठीक है? और क्या-क्या वार्निंग साइंस है वो आप सबको पता होनी चाहिए, जिसमें पेशेंट शुड बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड. अगर बुखार उतर जाए लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, नौजिया है, वॉमिटिंग हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, खड़े होने से ऐसे लगता है एकदम से बैठ जाओ, दिल की धड़कन तेज हो रही है, पेट में शदीद दर्द है या बहुत मतली या उल्टी की कैफियत है, दीज आर ऑल वार्निंग साइंस इन डेंगू, ठीक है? सो कौन मुझे बताएगा व्हाट आर द वार्निंग साइंस इन डेंगू? एनीवन, व्हाट आर द वार्निंग साइंस इन डेंगू? हां जी, फीवर इज नॉट वेन फीवर व्हेन फीवर वेयर ऑफ यू स्टिल हैव द इफेक्ट. या यू कैन स्टिल बी इन्फेक्टेड. और आपका और क्या वार्निंग साइन बताया? कि जब हमें पेट में दर्द हो या फिर बहुत ज़्यादा फीवर हो
जाना चाहिए। डेंगू की असर में दो डिफरेंट टाइप्स होती है, जो सादा डेंगू बुखार है यूजुअली हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन एक सीरियस डेंगू बुखार होता है जिसमें पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में जा सकता है। उसके ये वार्निंग साइंस है, पेट में दर्द हो, उल्टी हो, जिसम के किसी हिस्से से खून आए, जिसम पे धब्बे या निशान या नील बढ़ने लग जाए, पेशाब कम आने लग जाए, यूरिन कम आने लग जाए, यू डोंट फील द नीड टू गो टू द वॉशरूम, दिस इज ऑल्सो अ डेंजरस साइन। ठीक है, सो इन तमाम पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल की एमरजेंसी में जाना चाहिए। और बहुत छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े लोग और प्रेग्नेंट फीमेल्स और लोग जिनको और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या वो कैसी कुछ ऐसी अद्वियात हैं, जैसे पेशेंट्स हार्ट के होते हैं उनको खून पतला करने के लिए अद्वियात देते हैं ताकि क्लॉट्स ना बने, इन सबको हमेशा हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए। और आप बहुत सुनेंगे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप गूगल से सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज देख लेते हैं और आपको सब लोग डेंगू का अपना अपना इलाज बताएंगे। ठीक है, तो डेंगू बुखार की बाप कमाल और सस्ता टोटका आपको हर बंदे ने बताया होगा। सबसे ज्यादा टोटका जो हमने डेंगू के लिए सुना हो, कौन बताएगा मुझे, क्या लेते हैं? गन्ने का रस, वो तो हेपेटाइटिस के लिए मशहूर है वैसे, और एप्पल खाकर पीता है नाटक, पपीते का पत्ते का रस। सो हर एक को इसका पता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो टोटके हैं, ये जो मिक्स बनी हुई है डेंगू की, पपीते के पत्ते का अरक ले लें, पपाया जूस ले लें, एप्पल जूस दे लें, लेमन में कटकरे डाल के एप्पल जूस दें और बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करें। आर दे एक्चुअली हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग डेंगू? अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट। जो साइंटिफिक लिटरेचर है उनमें से कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं करता कि जूसेस, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, पोमेग्रेनेट जूस, एप्पल जूस आर अ क्योर फॉर डेंगू। दीज आर ऑल मिथ्स एंड दे शुड बी डिस्कारेज। तो आप अगर खुदा ने खास्ता आपके घर में किसी को डेंगू हो तो आपने इन सबको बताना है कि ये पपीते के पत्ते का पानी ना पिए जो आपको आपकी फ्रेंड ने मशवरा दिया, दिस इज एक्चुअली डेंजरस फॉर द पेशेंट। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज, हमारे एज अ मॉम हम लोग को बहुत शौक होता है कि हम जाके ग्लूकोज की बॉटल लगवा लें, जी ताकत आ जाएगी जिसम में, और हर चीज का इलाज हम कहते हैं कि ड्रिप लगवा लेते हैं जाके। ठीक है, सो ड्रिप जो है एक्चुअली डेंगू में डेंजरस हो सकती है, आपको ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ती है, बट वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस पेशेंट को कितनी और कौन सी ड्रिप लगानी है। सो आप इंसिस्ट ना करें कि मुझे बहुत कमजोरी हो गई और मैं जाके ग्लूकोज की बॉटल लगवाता हूँ, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। अच्छा, इसमें से कौन से बच्चे आपको अच्छे लगते हैं? क्यों भाई, ये जो ये बंडे खेलते हुए बच्चे कितने लोगों को अच्छे लगते हैं? ओके, और ये स्कूल जाते हुए बच्चे कितने लोगों को अच्छे लग रहे हैं? मुझे भी बंडे खेलते हुए बच्चे अच्छे लग रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? Why? Do you find anything wrong with this set of children? Do you find anything good about this set of children? Anyway, what? My legs are not covered. The legs are not covered. How intelligent. तो सीजन जो है वो समर्स का, अब यूनिफॉर्म्स आपने देखे हैं स्कूल्स में चेंज हो गए, सो इट शुड बी कवर्ड बिकॉज हाफ स्लीव शर्ट और शॉर्ट्स आर नॉट वेरी सेम, आपको मॉस्किटो बाइट हो सकती है। और स्कूल जाने का टाइम भी होता है अर्ली मॉर्निंग, और वापस आने के टाइम आपको एक्सपोज होती है बॉडी टू मॉस्किटो बाइट, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कवर्ड रखें। आप अगर शाम में वॉक करने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलने जाते हैं, या बाहर कोई अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लॉन में खेल रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि या तो आपने फुली कवर्ड स्लीव्स और पैंट्स पहनी हुई है या फिर आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्टिव बाइटिंग टाइम, जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज का टाइम है और सनसेट विच इज इवनिंग, दिस इज द मोस्ट एक्टिव बाइट टाइम फॉर द मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो को भूख लगती है, सुबह सुबह नाश्ता करते हैं ना, तो मॉस्किटो में सुबह सुबह उसको भूख लग जाती है, तो वो निकल जाता है कि मुझे कोई खाने की चीज मिले और फिर वो ह्यूमंस को बाइट करके अपना खाना लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह फिर वो सारा दिन एक्टिविटी करते रहते हैं, शाम को घर जाने का टाइम होता है मॉस्किटो पर, उसको फिर भूख लग जाती है, फिर स्टार्ट सर्चिंग फॉर मील्स, एंड मील इज ह्यूमन ब्लड। सो हम सबको एहतियात करनी है, न सिर्फ बाहर निकलते हुए एहतियात करनी है बल्कि घरों में भी बहुत एहतियात करनी है। सो घरों की खिड़कियां बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ना आए, अगर उनकी जाली कहीं से टूटी हुई
है उसको रिपेयर करा लें, मॉस्किटो मैट्स, कॉइल्स, इलेक्ट्रिक मॉस्किटो मैट्स इन सब का इस्तेमाल करें। और ये कुछ एहतियाती तदाबीर है जो अगर आप करेंगे तो आप महफूज रह सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि मॉस्किटो पानी में ग्रोथ करते हैं। अभी आपको बॉटल दिखाई ना जिसमें लार्वा है, वो सारा पानी में ग्रो करता है। तो घर में जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे फ्रिज का पानी कहीं इकट्ठा है या आपने पानी स्टोर किया हुआ है या एसी का पानी कहीं ड्रिप कर रहा है या गुदार में आपने फ्लावर डेकोरेट किए हुए हैं उसमें पानी है, उसको या तो रिमूव कर दें या फिर जैसे फ्लावर डेकोरेशन के लिए तो एवरी सेकेंड टू थर्ड डे उसे चेंज कर दें ताकि मॉस्किटोज उसमें बीट ना करें। गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा रख देते हैं बाहर परिंदों के पीने के लिए पानी के बर्तन, वो भी ब्रीडिंग स्पॉट्स बन जाते हैं। मोहित भाई का बहुत प्यारा गार्डन है और उसमें आज छोटे छोटे पानी के बर्तन भी परिंदों के लिए रखे हुए हैं, तो मेक श्योर कि वो पानी फ्रीक्वेंटली चेंज हो ताकि वो मच्छरों की फीडिंग प्लेस ना बन जाए और ब्रीडिंग ना हो सके। और वैक्सीन, ये सवाल मुझसे सब पूछते हैं कि कोविड-19 तो एक साल आया, डेढ़ दो साल के बाद उसकी वैक्सीन आ गई और हमारी जिंदगी आसान हो गई, तो डेंगू की वैक्सीन क्यों नहीं आ गई? सो गुड न्यूज ये है कि डेंगू की वैक्सीन आ गई है, ठीक है, लेकिन वो अभी मास लेवल पे यूज नहीं हो रही, इट्स वेरी एक्सपेंसिव और उसके अभी बहुत ज्यादा स्टडी हो रही है कि ऑल्दो अप्रूव्ड है वो वैक्सीन, देयर आर टू वैक्सीन, लेकिन अभी वो मास लेवल पे यूज नहीं हो रही। देयर आर टू थ्री अदर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज व्हिच आर bringing the Dengue vaccine. So soon you will have another shot in addition to your vaccination schedule which is Dengue vaccine. Lekin I think sabse important to Dengue ka aspect hai that is public awareness and for this reason we are here. Aur public awareness mein aap sab ne apna role ada kiya hai. So aaj yahan aap logon se baat karne ka maqsad yehi tha ki aap sab iske mutalliq jane, seekhe aur phir isko aage pahunchaye. Because this is very important. तो आप अपने स्कूल के लेवल पे जो आपके एसे कॉम्पिटिशन होते हैं, ड्रामा कॉम्पिटिशन होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, उन सब में डेंगू को यूज कर सकते हैं एज अ थीम। मेरी टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट होगी और स्टूडेंट्स से भी कि डेंगू के मुताबिक अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि 400 मिलियन पीपल वो सफर फ्रॉम डेंगू एवरी ईयर एंड 25,000 पीपल डाई विद डेंगू एवरी ईयर we can prevent those deaths and creating awareness is very important. इसीलिए हमने स्कूल्स में एक जीरो पीरियड शुरू किया है डेंगू के लिए और हम चाहेंगे हम फ्रीक्वेंटली स्कूल्स और कॉलेजेस में हम करते भी हैं और भी लेक्चर्स करें ताकि हम अपनी यंगर जनरेशन को अवेयर कर सकें। और आज का मकसद भी यही था कि हम साइंस में जहाँ बहुत सारी चीज़ों को अभी आपने ओशियनोग्राफी पढ़ी, से पहले स्पेस साइंस पढ़ी, वहाँ मेडिकल और हेल्थ साइंस व्हिच इज द कोर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी उसको भी टच करें और इसलिए हमने इस टॉपिक का इंतजाम किया था। सो आई विल जस्ट एंड माय टॉक विद दीस फ्यू वर्ड्स इन द एंड के एयर और लंग और डी इससे क्या बनता है? एयर बनता है, ठीक है, लेकिन इससे कुछ और भी बन सकता है, कुछ और बनाओ। अम्बल, वेरी गुड। सो एम नाम और मी जहाँ एम बनाता है वहाँ अमल भी बनाता है, ठीक है, और इल अमल में आया ना मुकम्मल है। अगर यू डोंट पुट योर नॉलेज इन टू प्रैक्टिस देन देयर इज नो यूज ऑफ गेनिंग दैट नॉलेज। सो इल वो अमल साथ साथ। आप ये जो फिगर्स बता रहे हैं पाकिस्तान के लिए I will be very happy to answer. Auntie.